अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता, सदगुण वैभवशाली, सदगुण वैभवशाली, त्रिभुवन विख्याता, जय जय सरस्वती माता। बोलो वीणा वादनी सरस्वती माता की। स्टॉक व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते आप सभी को हमारी तरफ से सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अंबे मात की जय। अंबे मात की जय। पिछले 100 वर्षों से अपने जौनपुर शहर में अपनी अंग्रेजी पुस्तक भंडार के माध्यम से मां सरस्वती की सेवा करते आए हैं और हर साल की तरह इस साल भी माँ सरस्वती के सामने अपने प्रण को दोहराते हैं। जब तक हम इस समाज में औरतों को मर्दों की बराबरी में लाकर खड़ा नहीं कर देते, तब तक हम रुकेंगे नहीं। शास्त्री जी की जय। शास्त्री जी की जय। शास्त्री जी की जय। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को प्रणाम। प्रणाम। आइए लक्ष्मण दास जी, कहिए इस बार कुछ लाए हैं या पिछली बार की तरह फिर से चले आए खाली हाथ? अरे शास्त्री जी, माना कि हमने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन इस बार पूरे यूपी का भ्रमण करके आपके प्रिय छोटे सुपुत्र के लिए ऐसे छांट छांट कर रिश्ते लाए हैं। शास्त्री जी, आप भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस रिश्ते के लिए हाँ बोले और किस रिश्ते के लिए ना। ये देखिए सिंपल ग्रेजुएशन की तो हमने भाव भी नहीं दी है बिल्कुल। हाँ, गिरे नहीं, डायरेक्ट गेट आउट, डबल एम ए, PhD, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बड़े बड़े पढ़े लिखे ओहदे वाली लड़कियां हैं। ये देखिए, कोई अनपढ़ नहीं है क्या? लेकिन शास्त्री जी, आपके प्राण का क्या? शास्त्री जी, अगर कोई जहर बेचता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जहर खाएगा भी। धंधे की कथनी और जीवन की करनी में अंतर होता है लक्ष्मण दास, वरना कोई भी औरत मर्द की बराबरी नहीं कर सकती। अगर ऐसी कोई लड़की है तो बताओ, वरना हमारा टाइम बहुत कीमती है। अरे अरे शास्त्री जी, शास्त्री जी नाराज मत होइए, ऐसी एक लड़की है और ये है वो लड़की। और जहां तक घरेलू कामों की बात रही तो उसमें ये पूरी तरह से दक्ष है, चाहे वो कढ़ाई हो, सिलाई हो, बुनाई हो। और घर वालों ने इसकी पढ़ाई 10वीं पास होने से पहले ही छुड़वाकर घर में बिठलवा दिया और तब से लेकर आज तक ये घर की चार दीवारी में ही कैद है। इस लड़की का नाम है पल्लवी। ब्राइट गीव भाई भाइटनेस
रिमोव सिस्टेन इजीली रिफ्रेश एंड कलोथ हलरी चल उठ, बहुत हो गई तेरी अंग्रेजी। माँ माँ बहुत दर्द हो रहा है माँ, छोड़ो माँ। अरे हमें क्या अच्छा लगता है तुम्हें दर्द देकर, पर क्या करें, माँ है ना, फर्ज निभाना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी हमने किया है क्या है? अरे तुमने कहाँ कुछ किया है, ये सब किया धरा तो उस भूत का है जो तुम्हारे सर पर चढ़कर बैठा है, अंग्रेजी का भूत। भूत अंग्रेजी का नहीं है मम्मी, भूत विद्या का है। हमें पढ़ने का बहुत मन था मम्मी। मेरी बहन का भी पढ़ने का बहुत मन था, हमने उसको सारी छूट दी और उसने क्या किया, पूरे समाज में हमारी गर्दन झुकवा दी। और अब तुम्हें भी अपनी मनमर्जी करने दे तो फिर तुम हमारी उस झुकी हुई गर्दन को कटवाई देना। लेकिन मम्मी दीदी ने जो किया उसकी सजा आप हमें क्यों दे रही हैं? हम तो आपकी सारी बात मानते हैं ना। तो ये बात भी तो मानो ना पल्लो। एकदम सही जा रही हो अम्मा, बस इसी तरह इसकी लगाम खींच के रखो जब तक इसकी शादी करके इसे निपटा ना दो। भैया इनसेट फायर डोंट पुट घी। अम्मा देखा देखा फिर अंग्रेजी में बोली। हमें समझ नहीं आता आप लोगों को हमारी अंग्रेजी से प्रॉब्लम क्या है, बुराई क्या है अंग्रेजी बोलने में? अंग्रेजी में गिटर पिटर करने वाली लड़कियों को हमारे समाज में अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, क्योंकि तुम्हारे बात समझ में ही नहीं आ रही है। और तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना है ना, जी भर के पढ़ना, दिन भर पढ़ना, जितनी चाहे उतनी पढ़ना, लेकिन अपने ससुराल में शादी के बाद। वैसे तो सारा जौनपुर जाने हैं कि बबली देवी कौन है। नौकरानी, बिना तनख्वाह की अपने ही घर में नौकरानी। अरे चाहे जितना भी काम करो ये घर माई, घर ऐसे ही बिखरा रहता है जैसे कौन बम फटा हो। काम वाली टिकती नहीं, बची कौन? अरे कौन का हम, घर की मालकिन जिसके हाथ से जब झाड़ू छूटता है तो झूठे बर्तन हाथ में आ जाते हैं। ऊ पूरे हो तो हाथ में चकला और बेलर, बस बहुत हुआ। अब तो ये बात को लेकर हमका एक हल चाहिए। ई घर के लिए एक टिकाऊ नौकरानी चाहिए, यानी ई घर की छोटी बहुरानी चाहिए। When people talk small, they smile big. ये बात तो तुमने मैं पढ़कर सुनाई थी ना? बड़ी माँ, अरे दादा इतना गुस्सा कि मुंह टमाटर की तरह लाल हो गया है गुस्से में। हमें गुस्सा करने का हक है क्या बड़ी माँ? नहीं है, पर हमें गुस्सा आता भी नहीं, उल्टा दर्द होता है, तकलीफ होती है, रोना आता है। हे भोलेनाथ कुछ करो, चाह कर भी हमें पढ़ने नहीं दिया गया। दसवीं का एग्जाम देने से पहले स्कूल छुड़ाकर घर पर बिठा दिया गया। हमने मान लिया, हमने कभी किसी की कोई बात नहीं टाली, हमने सब मान लिया, जो हमें कहा जाता हम सब करते, फिर भी हमें ये सब सुनना पड़ता है। जितना जल्दी हो सके इसे निपटा दो। अरे हम तो कोई मुसीबत है जो सब हमें निपटाने की बात करते जब देखो तब। नहीं पल्लू ऐसा नहीं है बेटा,
तू अकेली लड़की नहीं है जिसकी ये कहानी है। ऐसा हर लड़की के साथ कभी ना कभी होता है, बस किसी के साथ कम तो किसी के साथ थोड़ा ज्यादा, बस। इसी बात की तो तकलीफ होती है बड़ी माँ, हर लड़की के साथ ऐसा क्यों होता है? और ये सब उसके साथ करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उस लड़की की अपनी माँ होती है, जो खुद कभी लड़की थी। एक लड़की की माँ या तो उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है, तो उसका रास्ता रोकने वाले के साथ, पर कभी लड़की के साथ नहीं खड़ी होती। एक औरत ही औरत का दिल नहीं समझ पाती बड़ी माँ, क्यों होता है ऐसा, क्यों? एक बीमार से बीमारी का इलाज पूछ रही है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूँ, गांठ बांध ले। अंधेरे में उजाले की एक छोटी सी किरण भी एक नया सवेरा होती है। शादी के बाद करना जो अपना मन चाहे। मेरा आशीर्वाद है तुझे। मैं चाहती हूँ तुझे ऐसा घर मिले जहाँ तू अलग अलग रिश्तों के साथ खुद से खुद का रिश्ता निभा पाए, पूरे मान सम्मान के साथ अपने मन की मर्जी कर पाए, जो तू करना चाहती है। तुझे दोस्त जैसा पति मिले और माँ जैसी सास। हमारे दिल में दुख दुख हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? अच्छा सोचेगी तो अच्छा ही होगा पल्लू। एक बात पूछे, क्या हम बिना तैयार हुए अच्छे नहीं लगते? किसने कहा ऐसा? नहीं, वो उन्होंने हमें नौकरानी समझ लिया था ना, तो अच्छा एक सवाल हम पूछे, क्या आज रविवार है? भोले बाबा की जय, इतना सब कुछ हो गया और आप ये सवाल पूछ रही है, आज शुक्रवार है, रविवार क्यों होगा? तो जो शुक्रवार को रविवार समझ सकते हैं वो हम दोनों को मरवाएगी। तो बहुत सुंदर लगती है। बस वो लोग हमें पसंद कर लें। OMG! ओह, ए बिटिया रानी को दर्ज़ हो। कम कम बिटिया। नो, सी सी। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, और तो और गोल्ड पे गोल्डन, सोने पे सुहागा, कि ई का हमरी तरह अंग्रेजी बोलने का शौक है। हाँ, आई इंग्लिश स्पीक, लेकिन किसके साथ? नो टॉकर, इसलिए आई बोल श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी मा हस्बैंड कि प्लीज प्लीज हमरे लिए इंग्लिश स्पीकिंग बहुरिया लेकर आओ। और माता रानी की मेहरबानी देखो, दे फाउंड यू। कंचन जी, मदन जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का फुल फाइनल सेल पैक। ए बिटिया, ई तुम्हारे लिए ई सगुन। बड़ी माँ, सॉरी। के कामों में तो माहिर लग रही है ही, हाँ? लेकिन पूरा जौनपुर जानता है कि जांच की आंच बिना तपाए बबली देवी को चैन नहीं मिलेगा, यकीन नहीं आएगा। वहाँ देखो ना, हम यहाँ देखते हैं।
अरे बाबा, मम्मी इधर भी धूल नहीं है। यहाँ भी ना धूल ना मकड़ी का जाला, ला ला ला। मम्मी ला ला ला, यहाँ है धूल। तुम्हारे मुंह माँ, वो नीम का रस का है। तली पे देखो है, इसमें कौनो धूल नहीं है, धूल तुम्हारी आंखों में है। जाओ आंखें तो क्या, जाओ। हाँ जी, पानी लीजिए। हाँ हाँ, काहे नहीं। ये मिठाई भी लीजिए, मूंगफली की बर्फी पल्लवी ने खुद अपने हाथों से बनाई है, लीजिए। अच्छा, स्वाद तो जैसे जी रचा बसा है हमारी पल्लो के हाथ में। खाने को अगर छू भी देना तो स्वाद आ जाता है जी उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी नहीं। जी क्या हुआ? बताएंगे बताएंगे, पहले अपनी बिटिया को तो बाहर ले आइए। अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं ना, इसे भी दाखिला लेना है। ये लीजिए, इसे भर दीजिए। शिवा सर, आप यहाँ? आपको हमारा एड्रेस दिया किसी ने और आप यहाँ तक फॉर्म लेने चले आए? अब जाइए यहाँ से, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जी हाँ, हम कह रहे हैं ना, हम आपको कल खुद फॉर्म देने आए। प्लीज जाइए, अब जाइए, आप कोई देख लेगा, प्लीज जाइए जाइए ना। ठीक है, आप फॉर्म ना हमें कल जमा करा दीजिएगा, लेकिन फीस ना आप आज ही दे दीजिए। हम आपको कल फॉर्म के साथ ही दे देंगे, अभी हम चाहिए ना, इस पे क्या एजेंसी है? अर्जेंसी पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ वही, अभी हम यहाँ पर ना ही आपसे फॉर्म लेने आए हैं, ना ही आपसे फीस। वैसे हम ना आपको यहाँ पर आपके हीरो से मिलाने आए हैं। हमारा हीरो मतलब? माँ देखिए, माँ situations, okay? I'm in for the corporate world, you know that, right? मैं बस कॉल का वेट कर रहा हूँ, इंटरव्यू तो मैं ऐसे क्लियर कर दूंगा और उसके बाद सीधा ऑन जॉब। ओके, आई विल सी यू, बाय। अरे शिवा जी। अरे शिवा, ये हमारे घर का प्रिंटर वर्क क्यों नहीं कर रहा है? तुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मेल किए हैं, लौटते समय उसके प्रिंट आउट चाहिए मुझे। ओके ठीक है भाई साहब, हम देख लेंगे। एंड मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया यार, चेक कर क्यों ब्लॉक हुआ है, मुझे चाहिए, जरूरत है। ठीक है चेक कर। आप आराम से तो है नाना बाबू, आपने कोट पहना है, अगर गर्मी लग रहा हो तो पंखा तेज कर दे। हाँ? नहीं नहीं अंकल, कोई बात नहीं, I'm fine। वो काम कर रहा है, वो का डिस्टर्ब नहीं कीजिए प्लीज। नहीं आप कर। जी ये आपके दूसरे बेटे हैं का? कौन ही? ये तो सिबा है, हमरा बिटवा नहीं है, उसरी से पुरुषोत्तम जी की दाई है ना, वो का नाती है। हमरे घर में पला बड़ा है, घर में बच्चे जैसा ही है, लेकिन हमरा बिटवा नहीं है। अच्छा, ये सब छोड़िए ना, आप अपनी बिटिया को तो बुलाइए, अर्नब से नहीं मिलाना है का? हाँ हाँ हाँ, पर बिटिया आ गई।
देखने में भी चौचक चांद का टुकड़ा है, रिश्तेदारी में हमारी इज्जत बढ़ाएगी और बिठवा को भी खुश रख पाएगी। बढ़िया है, चल बेटा सबको शरबत दे दे। शरबत चाहिए था ना। इट्स ओके अंकल, हो जाता है कभी कभी। इट्स ओके, टिश्यू पेपर होगा, हम साफ कर देते। शिवा रुकिए, हम साफ कर देते हैं। सब लोग खड़े कहाँ हैं? बैठिए ना, आइए आइए। नहीं, क्या हुआ? पहले हम आपकी बिटिया को परख तो ले कि हमरे घराने की बहुरिया बनने के लायक है भी कि नहीं। तब तक आप लोग हमरे कलेजी के टुकड़े से बतियाइए और देखिए कौन कोहिनूर हीरा मिलने वाला है आपकी बिटिया को। अगर ई हमरी कसौटी पे खरी उतरती है तो आओ देखते ये मिठाई तुम खुद ही बनाई हो कि दुकान से लाके अपना नाम का ठप्पा लगाई हो। बोले पापा की जय, हमने खुद बनाई है। अच्छा, गर्मी काहे हो रही है? परीक्षा तुम्हारी चल रही है, पसीने हमरे छूट रहे हैं। ए बिटिया, ये फर्ज करो कि तुम यहाँ रसोई में खाना बना रहे हो और तुम्हारा हाथ जल गया। जी नहीं जलाना है, कोनो बात नहीं, हाथ तोड़ देते हैं। तो तोड़ देते हैं तुम्हारा हाथ जो है वो? अरे बिटिया, असल में नहीं तोड़ रहे हैं, ये ख्याल है, फज करना है कि हाथ टूटा हुआ है तुम्हारा, ठीक है? और बाहर मेहमान जो है वो बैठे हैं खाना खाने के लिए, खाना तो तुम्ही को बनाना है, तो फिर कैसे बनाओगे जरा हमको बताओ। अरे सोच कर रही हो? अरे हमारे जमाने में हम ऐसे अर्नब को एक हाथ में ऐसे पकड़े रहते थे, 406 बुखार में ये रसोई का पूरा काम सटाक खत्म कर देते थे। वैसे तो पल्लवी को सब कुछ बनाना आता है, पर काहे रसोई में गैस भी खत्म हो गई और राशन भी तो खत्म, का फोन भी नहीं लग रहा, गैस मिली भी है कि नहीं पता नहीं। हे भगवान, हमसे इस परीक्षा में कहीं चूक ना हो जाए। अरे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। हाँ। राशन खत्म होने को है और इधर गैस का सिलेंडर भी भूल गया है। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? जी जी, वो गैस सुबह में खत्म हो गई थी। का गैस खत्म हो गया?
लो, पूरी की पूरी परीक्षा रद्द करवा दी। अब हम नंबर का खाक देंगे तुमका। हाँ तो अर्णव बाबू। हेलो, यस अर्णव स्पीकिंग। क्या ओके? हे भगवान, मेरी बच्ची को हिम्मत देना। मतबल मेहमानों को बिना खाए पिए जाना पड़ेगा, यानी कि तुमने माँ बाप की नाक कटाई और पूरे परिवार की जग हंसाई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा बिटिया? क्या कर दिया बेटिया तूने? ये LPG सिलेंडर है। तो इसमें गैस नीचे जाके पानी जैसी हो जाती है, तो उल्टा करने से सारी गैस नीचे आ जाएगी ना। अच्छा, ऐसा होता है? चलो देखते। क्या बनाए? बेसन का हलवा? बेसन का हलवा बना देते हैं। बेसन भी नहीं है। आटे के गुलगुले। आटे के गुलगुले बना रही हो तुम? हे बिटिया, तुमका कैसे पता था ये हमरा पसंदीदा है? हमका तो लगता है तुमसे ही ना हो पाई। अंदर का है, खड़ी हो, बाहर तो आओ। जी, कुछ गलती हुई का बच्ची से, कहे कि गैस खत्म हो गई थी और राशन में। अब काफी तनाव में दिख रही है। इतना की तनाव के मारे आपकी नाक ही बंद हो गई है। उन्हें सबसे पहले खुशबू तो आपको आनी चाहिए थी ना, अपने बिटिया के हाथ के बने पकवान की। ए बिटिया, अंदर खड़े खड़े भाव खाओगी कि बाहर भी आओगी? Thank you.
के गुलगुले बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि हार नहीं मानी ये लड़की। हमारी बहू बनने के सारे गुण हैं इसमें, ऐसी ही तो बहू सपनों में देखे थे हम, जो मुश्किलों से हार न माने और अपनी पूरी जिंदगी हमारी सेवा में गुजारे। परीक्षा तो खत्म हो गई है, अब परिणाम की बारी। बबली देवी शास्त्री, श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी की पत्नी सुकुमारी पल्लवी को अपनी बहुरानी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करती है। हमारी तरफ से ई रिश्ते के लिए हम ओके मम्मी। कोई भी फैसला लेने से पहले मैं पल्लवी से बात करना चाहता हूं, अकेले में। सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।